नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जिस प्रकार से बहुत भयंकर गर्मी और हीट वेव का प्रकोप चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर आम जनमानस विभिन्न धार्मिक तरीके से लोगों को गर्मी से निजात दिलाने का प्रयास कर रहे थे। कहीं कोई शरबत की छबील लगा रहा था, कहीं कोई किसी और माध्यम से आम जनमानस को गर्मी से राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। उसी कड़ी में आज एक अनोखा दृश्य नजर आया, जब प्रसिद्ध समाजसेवी राजेंद्र सैनी जी और उनकी सहयोगी लोगों ने आम जनमानस को पिछले चार दिनों से किसी दिन वो आइसक्रीम की छबील लगा रहे थे, किसी दिन उन्होंने जलजीरे का छबील लगाया, किसी दिन उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की छबील लगाई और आज उन्होंने कुल्फी की छबील लगाकर आम जनमानस को राहत प्रदान करने का प्रयास किया इस भयंकर गर्मी से। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा ने कुछ तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी करके आम जनमानस को राहत देने का प्रयास किया है, इस प्रकार से अनोखे अनोखे प्रयास किए जाते हैं आम जनमानस द्वारा। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य मुद्दे पर आप सबके साथ होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप यहाँ कुल्फी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? गर्मी के मौसम में लोग कैसी सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार से पुण्य कमा रहे हैं? है जी, बढ़िया है। कहाँ से है, क्या नाम है आपका? कहाँ से? तो कैसा लगा आपको इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं लोग? हाँ जी भाई जी, आपने भी इस प्रसाद को लिया है, खाया है कुल्फी को, इस प्रकार से लोग जन सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। कहाँ से आपका शुभ नाम? कहाँ से? जी सही, आपने गर्मी से आम जन को राहत देने के लिए एक अनोखी पहल की, आप लोग कुल्फी का प्रसाद वितरित कर रहे हैं। कितने दिनों से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं? जी ये तो कार्यक्रम है, हमारे भाई साहब हैं राजेंद्र सैनी जी, समाज सेवी आदमी हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है और वो भी करवाने वाले, उनकी भावना ये रहती है कि भगवान करवा रहे, मैं नहीं कर रहा। चार दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं। ये पहले दिन कोल्ड ड्रिंक का प्रोग्राम था, क्योंकि शहर में उस दिन निर्जला एकादशी पे पानी का प्रोग्राम हर जगह लगे हुआ, थोड़ा उससे हटके किया था कि वे टेस्ट चेंज हो जाए। और फिर उसके बाद अगले दिन प्रोग्राम रहा जलजीरे का, और तीसरा दिन प्रोग्राम था आइसक्रीम का, और आज प्रोग्राम था कुल्फी का। ये माता रानी की, राजेंद्र सैनी जी की कृपा है और वो इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं। बहुत अच्छा समाज सेवा में उनका इंटरेस्ट रहता है, गुरुद्वारे में भी और में भी हर जगह पर चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनके उनके ही द्वारा ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो ये कोई रजिस्टर्ड संस्था है या नहीं? वो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है जी, सिर्फ ये उनका व्यक्तिगत वो है, भावना है जी, जिसके बेस पे ये काम कर रही है। सामाजिक लोगों की और टीम है जो आपको इस कार्य में सहयोग कर रही है? मार्केट के जितने भी भाई हैं हमारे, मिस्त्री भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, सभी इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शमशेर सैनी जी हैं, अर्पणी जी हैं, कश्मीर है, देवेंद्र है, और इनके सुपुत्र विनोद सैनी जी, वो भी मतलब जो है भावना उनकी सबकी बड़ी है, सब मिलजुल कर कार्य को कर रहे हैं। और इनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, जो हाजिरी है भगवान के घर में हाजिर होनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम और कितने दिन चलने वाला है? या बस ये चार दिन का प्रोजेक्ट था, ये आज ये संपन्न हो गया। मैं सुरेंद्र कुमार मित्र बोल रहा हूँ, राजेंद्र जी का धर्म भाई हूँ मैं। राजेंद्र सैनी जी, आपने एक अनोखा प्रयास किया तपती गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए, एक अनोखी पहल की आपने, कुल्फी का प्रसाद वितरित किया अलग तरीके से, कभी कोल्ड ड्रिंक का प्रसाद है, कभी जलजीरे का, कभी आइसक्रीम का, और कभी कुल्फी का प्रसाद दिया। किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली कि समाज को एक नई दिशा और दशा दे पाए? ये परमात्मा दे रहा है जी, जो कुछ भी दे रहा है। मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, यानी कि जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, सब इन भाइयों के सहयोग से है, माता रानी की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, मेरी कोई वो नहीं है। जब हम आम जन से बात कर रहे थे जो कुल्फी के प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे, वो ढेरों शुभकामनाएं दुआएं दे रहे थे कि वास्तव में इस प्रकार से जो समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, वास्तव में
उनकी वजह से आज भी समाज जो एक नई ऊंचाइयों पर है। देखो सर, जो रास्ता दिखाता है परमात्मा दिखाता है। मेरे को तो खुद को एक कुल्फी खानी हो तो उसके लिए भी तरसना पड़ेगा, और उनको क्या खिलाऊंगा, मैं वही कर रहा जो कर रहा है। चलिए, जो लाखों दर्शक चैनल के माध्यम से आपसे तो देखेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वास्तव में जीवन का मर्म क्या है? क्या समाज सेवा ही सही रास्ता है? सही रास्ता, सबसे बड़ी कमाई यही है। चलिए सर, आपको ढेरों शुभकामनाएं। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, राजेंद्र सैनी जी पर्दे के पीछे रहकर समाज सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति, आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपको आपकी संस्था को ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी खास सबसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।